हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करूंगा चार टॉप के अपडेट के बारे में जो कि मार्वल से रिलेटेड है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्पाइडरमैन नो बी होम की दो अपडेट के बारे में, जो कि है पीटर पार्कर का न्यू ब्लैक एंड गोल्ड सूट, जिसका क्लियर फर्स्ट लुक नजर आया है सामने। और साथ ही साथ बात करूंगा टॉबी मैकफाई के एक और पुख्ता सबूत के बारे में, बात करूंगा लोकी सीजन 2 के बारे में और बात करूंगा डेडपूल 3 के अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल की है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्पाइडरमैन के न्यू ब्लैक एंड गोल्ड सूट के बारे में, जिसका क्लियर लुक रिलीज कर दिया गया है। तो जैसा कि मेरी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एकदम क्लियर लुक है जिसमें कि स्पाइडरमैन की न्यू कॉस्ट्यूम ब्लैक एंड गोल्ड की पूरी डिटेल नजर आती है। आप खुद देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से हमें इसमें सूट देखने को मिला है, और यही सेम टू सेम हमें देखने को मिलेगा स्पाइडरमैन मूवी में नो वे होम में। और देन आप सभी जानते हैं कि ये एक्शन फिगर तभी बनाई जाती है जब मूवी में हमें एक्यूरेट चीज देखने को मिलती है, और सेम यही सूट देखने को मिलेगा। बस इसमें मेरे को एक छोटी सी चीज जो लग रही है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने शायद गौर नहीं करा हो तो आप देखिएगा कि स्पाइडरमैन के इस सूट के हाथ में डॉक्टर स्ट्रेंज की कलाकृतियां सी बन रही हैं, जैसा कि डॉक्टर स्ट्रेंज के हैंड में भी है। तो होपफुली शायद इस सूट में डॉक्टर स्ट्रेंज का कहीं ना कहीं हाथ है, और देन डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा मैजिक करता है वैसे ही पैटर्न इसके वेब में बन रहा है। तो होपफुली अगर जैसा हमें इमेज में देखने को मिल रहा है, जैसा एक्शन फिगर में देखने को मिल रहा है, वैसा ही हमें देखने को मिला है स्पाइडरमैन नो वे होम में। चलिए बात करते हैं टॉबी मैकफाई के एक और पुख्ता सबूत के बारे में। तो स्पेनिश जो वॉइस डबिंग आर्टिस्ट हैं टॉबी मैकफाई के, उन्होंने अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाली जिसमें कि एक फैन ने पूछा क्या इस मूवी में आप डबिंग कर रहे हो नो वे होम में, तो उन्होंने जिप करा और देन यो थंब दिखा दिया और बस उन्होंने इतना ही करा। तो इस चीज से ये चीज कंफर्म हो जाती है कि इस मूवी में हमें टॉबी मैकफाई देखने को मिलेंगे, पर लीड रोल में रहेंगे टॉम हॉलैंड और उसी के साथ टॉबी मैकफाई या एंड्रू गारफील्ड वो शायद एंडिंग में हमें दिखाए जा सकते हैं। अब तक जहां तक की अपडेट है, कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं कह रहा हूं, पर हाँ जो डबिंग आर्टिस्ट हैं, जो की आर्ट्स हैं, जो फैन थ्योरीज हैं, जो ट्रेलर्स लीक्स प्लॉट वगैरह जो भी है, ये सारी चीज कहती है कि मल्टीवर्स होगा और हमें तीनों स्पाइडरमैन एक साथ देखने को मिलेंगे। एक छोटा सा प्लॉट भी आया पर वो उसकी कंफर्मेशन अभी तक नहीं, तो इसलिए मैंने उसके ऊपर वीडियो भी नहीं बनाया। चलिए बात करते हैं थर्ड अपडेट के बारे में, जो कि है लोकी सीजन 2 से रिलेटेड। तो सभी जानते हैं कि फाइनल एपिसोड तो बहुत ज्यादा कमाल का रहा, और देन लोकी का सीजन 2 ऑफिशियली कंफर्म हो चुका था। देन सीजन 2 पहले ही कंफर्म था, पर अब ऑफिशियली मार्वल ने एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा दिया, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि लोकी सीजन 2 भी हैपनिंग है। और आपको क्लियर कर दूं कि लोकी का सीजन 2 आपको 2023 में देखने को मिलेगा, वो भी एंटमैन 3 से। जी हां, लोकी सीजन 1 के बाद आपको देखने को मिलेगी स्पाइडरमैन नो वे होम, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स मैडनेस, फिर उसके बाद लोकी सीजन 2, फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगी एंटमैन क्वांटमिनिया। जी हाँ, तभी तो हमें कैंग द कॉन्करर लास्ट विलन दिखाया गया है एंटमैन मूवी में। अब होपफुली जैसा मैं आपको बता रहा हूँ शायद वैसा ही हो, और देन लगता भी ऐसा है कि इसी पैटर्न में मूवी रिलीज होंगी, पहले स्पाइडरमैन मूवी, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज, फिर लोकी सीजन 2, फिर उसके बाद क्वांटमिनिया जो कि फिनाले होगा कैंग का, और एक खात्मा भी होगा कैंग का क्वांटमिनिया में। होपफुली देखते हैं क्या होता है, और देन मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि जिस तरीके से मल्टीवर्स को इंट्रोडक्शन करा जा रहा है मार्वल में वो बहुत ही कमाल का है। और इसी के साथ आज की जो डेट है वो कह सकते हो 14 तारीख है, और देन कंफर्म हो चुका है, जो कि रैन ने खुद कंफर्म करा है कि वो अब एमसीयू में पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। उन्होंने एक रिएक्शन वीडियो डाला था डेडपूल के कैरेक्टर में, वो भी क्रॉक के, जो कि थॉर मूवी में आप देख चुके हैं ऑलरेडी, उसका कैरेक्टर प्ले करते हैं टैगे वेटिटी, जो कि थॉर मूवी के डायरेक्टर है। तो उन दोनों ने एक साथ बैठकर फ्री गाय का ट्रेलर रिएक्शन करा, और देन कंफर्मेशन कर दिया कि हाँ डेडपूल अब एमसीयू में है, पर किस तरीके से आएगा, किस तरीके से इंट्रोडक्शन होगा, अभी तक ये रिवील नहीं हुआ है। तो ओवरऑल जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और देन वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। बाय बाय, जा रहा हूँ।